मैं आज आपको हेलमेट के बारे में बताने वाला हूँ कि ये मैंने GoPro हीरो 7 ब्लैक कैसे माउंट किया हुआ है, कितनी मेहनत लगी, कितना एक्सपेंस लगा, दोनों चीज़ बताऊँगा, क्योंकि किसी मोटो व्लॉगर को कुछ करना रहे तो उनको इजीली पता चले कि मैंने कितना मेहनत किया और कितना एक्सपेंस किया। आज आ गई सॉरी, बाल ज़्यादा उड़ रही क्योंकि एक्चुअली बीच पे है ना, तो हवा कुछ ज़्यादा आ रही है, सॉरी फॉर दिस। और ये मोटो व्लॉगिंग की बात कर रहे थे, तो ये मोटो व्लॉगिंग के लिए पहले तो आपको एक एक्शन कैमरा ख़रीदना पड़ता है, हीरो 7, मतलब आपके हिसाब से। मुझे अफोर्डेबल लगा हीरो 7 ब्लैक, इसलिए मैंने ख़रीदा है, तो ऐसे एक्सपेंसिव देखने जाए तो, बट आपके हिसाब से जो भी आपको कम्फर्ट लगे, बजट में आता हो, वैसा ख़रीद सकते हो। उसके बाद आपको एक माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के साथ ऑडियो भी ज़रूरी है, तो एक माइक लेना पड़ेगा। तो और एक हेलमेट अच्छा सा अपने हिसाब से बजट में जो आए वो ले लेना, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसको मैंने सेटअप कैसे किया, मैं मेरी कहानी बताता हूँ, बोर शायद नहीं होगा क्योंकि मैं एंटरटेनिंग बनना हूँ, तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले हीरो 7 ब्लैक लिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि हेलमेट पर माउंट करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर आप देख पा रहे होगे तो ये मैंने अटैचमेंट लिया हुआ है जिस पे हीरो 7 ब्लैक लगा हुआ है। को पता चला ऑडियो के लिए हीरो 7 ब्लैक ने कुछ माइक अडेप्टर अलग से लगाया हुआ है, तो मैंने ये भी खरीदा है माइक अडेप्टर। फिर माइक लिया जो लेपल माइक ज़्यादा पॉपुलर है, बोया M1 का है शायद, वो मैंने लिया और उसको इंटरनली फिक्स किया हुआ है। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये वायरिंग है, ये माइक है, ये माइक है। तो अभी ये चीज़ होने के बाद, अब ये आपने ख़रीद तो ली बट इसको आपको इसमें यूज़ कैसे करना वो ज़रूरी है। तो पहले अटैचमेंट लिया, फिर उसमें माउंट किया हीरो 7 ब्लैक, फिर मैंने माइक अडेप्टर लगाया ये, और इंटरनल से माइक लगा दिया। माइक तो जैसे आपको आप भी लगा सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, खाली इतना कि वाइल यू वेयरिंग अ हेलमेट तब थोड़ा डिफ़िकल्टी हो ना हो, उसकी वजह से प्रॉपर माउंट करोगे तो आपके लिए बेटर रहता है, बस वही है। तो मैंने ये किया, अभी मैं इसका एक्सपेंस बताता हूँ। ये हुआ कि मैंने स्ट्रगल कितना किया एक लेने के बाद, किस कैसे मैंने इसको फिट किया, अभी मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ। जैसे हीरो 7 ब्लैक मैंने थोड़ा सेल में था, तो उस हिसाब से मैंने नई नई बोली 40,000 का रख लिया। देन मैंने ये जो अपना माउंट रहता है वो अभी इंडिया में अवेलेबल है, बट जब मैंने ख़रीदा था तब इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ये कॉस्टली गिरा। मैं रेट बताऊंगा तो आप हंसोगे कि इतना महंगा क्यों लिया। मैंने ये 5,300 का लिया क्योंकि मैंने इसको अमेरिका से इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कराया हुआ था, क्योंकि इसका रियल कॉस्ट कुछ 1500 था, बट शिपिंग चार्ज और कस्टम चार्ज लगा के कुछ 5,200 का गिरा है मुझे। और माइक अडेप्टर कुछ 5,200 का तभी मैंने ख़रीदा हुआ था, और जो माइक है वो कुछ 1200 से लेके 1500 के बीच में आता है, तो टोटल इतना खर्चा होता है। उसके बाद मैंने इसको माउंट किया, मतलब एक हेलमेट आप चाहे कितना भी सस्ता लो या महंगा लो, बट हेलमेट के ऊपर ये जो एसेसरीज लगी रहती है, तो टोटल ये हेलमेट की कॉस्ट हो जाती है। जैसे हेलमेट लिया जैसे 3,000, 40,000 कैमरा, 43,000, देन अडेप्टर 5,000 पकड़ो, 43 + 5, 48,000, और ये 5,000 पकड़ो तो 48 + 5 कुछ 53 हो जाता है, 53 + 1,000 रुपये का चलो माइक पकड़ो तो 54, मतलब ये आपकी हेलमेट की कॉस्ट। जैसे आप एसेसरीज पे जितना खर्चा करते, तो मेरी कॉस्ट ये समझो 55,000 गिरी हुई है, तो आपको 40 में भी गिर सकती है और 60 में भी गिर सकती है और 1,00,000 में भी गिर सकती है, डिपेंड्स अपॉन यू आप कैसे हेलमेट करते हो, कैसा ये एक्शन कैमरा लेते हो, माइक लेते हो, माउंट करने वाला कैसा सिस्टम लेते हो। ये मेरा इजी तरीका था। तो कहने का मतलब है, मोटो व्लॉगिंग करना इट्स करने के लिए आपको थोड़े खर्चे भी करने पड़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि इसको माउंट कैसे करना है, तब जाके आप ये कर पाते हो। तो करने से पहले आप सोचना करना है या नहीं करना, क्योंकि एक दो वीडियो बनाने के बाद आप नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है कि इतना सारा एक्सपेंस करो और ख़ुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहूँगा अगर आप करना चाहते हो रिकॉर्डिंग एंड ऑल, तो सिर्फ मेमोरी के लिए यूज़ मत करो,
मैं तो बोलूँ उसको रिकॉर्ड करो और कुछ फुटेज को जैसे बी रोल की वेबसाइट्स रहती है वहाँ पे बेचो, या फिर यूट्यूब के वीडियो बनाओ, या फेसबुक या इंस्टाग्राम है वहाँ पे डालो, तो आज नहीं तो एक दो साल के बाद भी क्या पता वो पॉपअप हो जाए और आप कुछ थोड़ा सा अर्न भी कर सको और आप फेमस भी बन सकते हो चाहे अर्न करो ना करो। तो ये मेरा सजेशन था, आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो हम लोग मिलोगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मैं प्रोत्साहित होते रहूँ इसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और सब्सक्राइब बटन रहेगा ना वहाँ पे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन कर देना, तो जिससे मैं एक नया वीडियो बनाते रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, मैं वीकली या मंथली ऐसे वीडियोज़ बनाते, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आके परेशानी नहीं होगी।